The question is, construct a right triangle whose base is 12 centimeter and sum of its hypotenuse and other side is 18 centimeter. हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें बेस जो है वो 12 सेंटीमीटर है एंड अदर टू साइड्स यानी कि हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर उनका जो सम है वो हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर, राइट। यानी कि अगर हम एक रफ स्केच इसमें बनाएं, ए बी सी 90 डिग्री हमारा यहाँ होगा, बेस हमने यहाँ पर बी सी जो है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इन दोनों का जो सम है वो 18 है, राइट। तो अब देखते हैं कैसे बना सकते हैं इसे हम। तो पहले हमने बेस ले लिया 12 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ अ रूलर सी बी। अब चाहे आप सी या फिर बी किसी पर भी 90 डिग्री का एंगल आप बना सकते हो, तो हम बी पर बना रहे हैं 90 डिग्री का एंगल। राइट, ये आपको इसकी जो लेंथ है, देखो ये जो सम गिवन है ना हमें 18 सेंटीमीटर, हमें इसका यूज़ करना है, तो इसकी जो लेंथ है इस बी एक्स की ये हमें 18 सेंटीमीटर रखनी है। मीन्स इसे इतना लंबा आप ड्रॉ कर लेना कि 18 सेंटीमीटर इसमें से हम कट ऑफ कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ से बी एक्स से आप एक लेंथ 18 सेंटीमीटर कट करो बी डी, राइट। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, सी एंड डी को ज्वाइन कर दो, सी और डी को ज्वाइन कर दिया हमने। सी डी को ज्वाइन करने के बाद हमें क्या करना है, इस सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे सी डी लाइन सेगमेंट है तो इसमें आप इस सी डी की लेंथ से हाफ से ज़्यादा, यानी कि थोड़ा एस्टिमेट से आप रेडियस ले लो हाफ से ज़्यादा, सी सेंटर लेकर के आर्क लगाएंगे दोनों साइड, डी सेंटर लेकर के प्रीवियस वाली आर्क को इंटरसेक्ट करते हुए दूसरी आर्क लगाएंगे, देन इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। ट्राई कीजिएगा कि इसे आप डॉटेड ही बना पाओ, राइट। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये हम कट कर रही है बी डी को इस पॉइंट पर, वैसे ये थोड़ा सा ऊपर कट होगा, राइट। तो ये जिस पॉइंट पे ये कट करेगी ये हमारा ए पॉइंट है। इन दोनों को ज्वाइन करने से हमारे पास ट्रायंगल आएगी इस ए सी को ज्वाइन करने पर, राइट। यानी कि ये यहाँ मैंने बिना कंपास के ड्रॉ किया है तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, बनने के बाद ही हमारे पास कुछ फिगर ऐसी बनेगी, ठीक है। तो लेंथ थोड़ी कम ही आएगी इसकी ए बी की, तो ये जिस पॉइंट पर कट करेगा उसी को आप सी से ज्वाइन कर देंगे, तो ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी बन जाएगी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे इसमें, सबसे पहले हमने क्या किया था, बी सी ड्रॉ की थी 12 सेंटीमीटर, राइट। फिर एट बी कंस्ट्रक्ट एंगल सी बी एक्स, सी बी एक्स हमने 90 डिग्री यहाँ पर एंगल बनाया। फिर हमने ये जो बी डी है, ये जो बी डी है वो हमने 18 सेंटीमीटर यहाँ से कट ऑफ की, फिर हमने सी और डी को ज्वाइन किया, देन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया विच इंटरसेक्ट बी डी एट ए, राइट। फिर ज्वाइन कर दो आप ए सी को, देन हमारे पास जो ये ट्रायंगल है ए बी सी ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो, ठीक है। थैंक यू।